हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं शोभनी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ब्यूटी से रिलेटेड और कुछ ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो अगर आप मेहंदी लगाने बैठे हैं और अगर आपके पास कभी आंवला रीठा सिकाकाई नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप आंवला रीठा सिकाकाई का काम मेहंदी में कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास आपके घर में आंवला रीठा सिकाकाई नहीं है तो मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूँगी जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी मेहंदी में वही कलर लेकर आएंगे जो कि आंवला रीठा सिकाकाई के साथ होता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए चाय की पत्ती। 3 चम्मच के अकॉर्डिंग चाय की पत्ती लेनी है, साथ साथ लेना है 3-4 चम्मच खट्टा दही। क्या होता है, खट्टे दही, जो खट्टा दही आप लेंगे वो हमारे रीठा का काम करेगा, सिकाकाई का काम करेगा, और आप चाय की पत्ती को लेते हैं तो वो हमारी सिकाकाई का काम करता है। सिकाकाई हमारे बालों को कलर देता है और आंवला खट्टा होता है वो हमारे बालों को मजबूत करता है। तो यही जो आंवले की प्रॉपर्टीज़ होती है वही दही की, योगर्ट की भी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो आप अगर आंवला नहीं है तो आप अपनी मेहंदी में दही को ऐड कर सकते हैं। साथ साथ दही से आपके बाल शाइनिंग भी होते हैं, लंबे भी होते हैं। और साथ साथ आपको 2-4 ले लेना है नींबू। अगर मेरे पास एक था तो मैंने एक ही लिया है। और हमेशा एक बात याद रखना है, मेहंदी जब भी फुलाएं आपको लोहे की ही कढ़ाई लेनी है। मैंने यहाँ लोहे की कढ़ाई में 1 ग्लास के अकॉर्डिंग पानी डाला था, उसमें 3-4 चम्मच जो चाय की पत्ती ली थी डाल दी थी और अच्छे से बॉयल कर दिया है। बॉयल करने के बाद आप देख सकते हैं कलर काफ़ी अच्छा आ गया है पानी का। इसको मैंने आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब आपको अपनी मेहंदी इसमें डालनी है। ये मैं इसमें मेहंदी डाल रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड की कोई भी मेहंदी डाल सकते हैं जो आप लगाना चाहते हैं। बस आपको एक बात याद रखनी है कि जब आप मेहंदी को मिक्स करें तब इसी प्रोसेस में जो हमारा खट्टा दही था वो भी डाल देना है, क्योंकि दोनों को मिलाकर मेहंदी का एक स्मूथ पेस्ट बनाना है जिसमें एक भी गांठ ना रह जाए, ना तो मेहंदी की ना ही आपके दही की। तो इसी प्रोसेस में मैं बीच में जो दही लिया है मैं डाल ही दे रही हूँ। आपको भी 3-4 चम्मच के अकॉर्डिंग दही लेना है और खट्टा दही लेना है, ख़ास तौर से खट्टा दही ही लेना है आपको, और अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। खट्टे दही लेने के 2 बेनिफिट होते हैं, हमारे बाल मजबूत होते हैं और दही लेने से हमारे बाल शाइनिंग होते हैं। साथ साथ इसमें 3-4 अगर आपके पास नींबू है तो वो भी डाल दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप कभी भी मार्केट से आंवला रीठा सिकाकाई नहीं लेंगे, जो घर में इंग्रेडिएंट्स हैं उसी से ही आपकी आंवला रीठा सिकाकाई जैसी मेहंदी का जो कलर आता है, मेहंदी से जो बाल हेल्दी होते हैं सेम उसी के अकॉर्डिंग इससे भी होते हैं। सब कुछ आपको इतना अच्छे से मिला लेना है, एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है कि इसमें कोई गांठें ना रहे, ना आपका ये दही जो दिख रहा है ये देखिए। इसीलिए आपको कंटिन्यू 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से हिलाते रहना है जब तक एक स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। स्मूथ पेस्ट जब आपका बन जाएगा तो आप जब इसको चलाएंगे तो चलाते चलाते ही जो लोहे की कढ़ाई होती है उससे कलर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद भी आपको अच्छे से स्मूथ पेस्ट बनाने के बाद, ये देखिए मैंने इतना इसको 10-15 मिनट तक चला दिया था, आपको भी 5 से 10 मिनट तक अच्छे चम्मच से अपनी मेहंदी को चलाते रहना है जिसमें एक स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। उसके बाद इसको आपको कम से कम 1 या 1.5 घंटे के लिए रखे छोड़ देना है। रखे छोड़ने पर आपको इससे 2 बेनिफिट होंगे, जो कढ़ाई का कलर है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा, साथ साथ आपकी मेहंदी का जो मेहंदी को फूलने में कलर देने में भी टाइम लगता है, इसलिए उसको हमेशा मेहंदी को फुलाकर आपको 2 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ना चाहिए। उसके बाद ही अपने बालों पर अप्लाई करना चाहिए। इससे जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपको जब भी आप हेयर बालों में मेहंदी लगाते हैं तो बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये देखिए इस तरह से आपको, अभी आपको साइड से बाद में दिखाऊँगी, सारे यहाँ से कलर निकलेगा। ये देखिए 2 घंटे रखने के बाद, मैंने 1.5 कहा था बट मैंने 2 रखा है, 2 घंटे रखने के बाद आप ये देखिए मेहंदी का कलर कितना क्यूट, कितना अच्छा आ गया है। अब इस तरह की मेहंदी लोहे की कढ़ाई में रखने का यही फ़ायदा है, क्योंकि इसमें दही डला है, इसमें नींबू डला हुआ है तो, और साथ में कलर भी है चाय की पत्ती का, सब कुछ नेचुरल है। तो आपकी मेहंदी, आपको कहीं से भी आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। साथ साथ ये देखिए लोहे की कढ़ाई में रखी है तो आपकी जो मेहंदी है किस तरह ब्लैक पड़ी हुई है। तो जब कभी आपके पास आंवला रीठा सिकाकाई नहीं होता है
सबके पास हर चीज़ हर टाइम अवेलेबल नहीं होती है, तो आप इस तरह से मेहंदी को लगाएंगे, एक बार लगाएंगे आप बार बार इसी मेहंदी को इसी तरह से लगाएंगे, क्योंकि इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। साथ साथ ये मेहंदी आपको मार्केट में मिलने वाली, इस मेहंदी से आपके बाल नेचुरल तरीके से ब्लैक होना स्टार्ट भी हो जाएंगे, साथ साथ आपके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे, शाइनिंग एंड हेल्दी भी हो जाएंगे। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, अगर हेल्पफुल हो, थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर आपको हमेशा बहुत यूज़फुल वीडियोज़ देखने को मिलेंगे।